हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड अफिनिटीज ऑफ डिप्लोई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो डिप्लोई होता है ये बोनी फिशेस के अंदर आता है, एक स्मॉल ऑर्डर है। बोनी फिशेस जो आते हैं, ऑस्टियोकिथस आपने पढ़ा होगा क्लास, जब मैंने आपको पाइसिस के बारे में बताया था तो उसमें मैंने थ्री क्लासेस बताई थी, प्लेकोडर्म, कॉन्ड्रिकिथस और ऑस्टियोकिथस। ऑस्टियोकिथस में बोनी फिशेस आती हैं और कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो आपकी कॉन्ड्रिकिथस में आती हैं। तो ये एक छोटा सा ऑर्डर है बोनी फिशेस का, क्लियर। दे रिस्पायर बाय गिल्स एंड लंग्स। तो ये इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स और गिल्स के थ्रू ही होता है। एंड ये डिवोनियन पीरियड के टाइम आए थे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है एग्जाम में। मॉडर्न लंग फिशेस, इनको लंग फिशेस भी कहते हैं, मॉडर्न लंग फिशेस सो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें एक जगह नहीं पाए जाते, अलग अलग जगह में भी पाए जाते हैं। द थ्री सर्वाइविंग जेनरा ऑफ लंग फिशेस आर नियोसेरिडोटस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोशेरन। तो ये थ्री जो है ये सर्वाइविंग जेनरा है, जो जीनस है ये तीनों अभी सर्वाइविंग है। इनके नाम है नियोसेरिडोटस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोशेरन, ये तीनों याद कर लेना आप। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये सभी रिवर में पाए जाते हैं, ऑल आर इनहैबिटेंट्स ऑफ रिवर। एंड नियोसेरिडोटस की बात करें, नियोसेरिडोटस इज द वल्निन लिविंग जीनस ऑफ फैमिली सेरोटोडोंटी। तो ये सेरोटोडोंटिडी जो है इस फैमिली का एक ऐसा जीनस है जो कि लिविंग है, ठीक है। द अदर बींग एक्सटिंक्ट सेरोडोटस, बाकी जो अदर हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक्सटिंक्ट अभी नहीं पाए जाते हैं, ओके। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो नियोसेरिडोटस है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए इसको हम बर्नेट सेलमोन या ऑस्ट्रेलियन लंगफिश भी कहते हैं। नेक्स्ट जो जीनस है वो है प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस जो होते हैं ये बड़े बड़े लेक्स में, रिवर्स में पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में, ये मोस्टली नाइल रिवर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाइल लंग फिश कहते हैं या अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं, क्लियर। लेपिडोशेरन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये अमेजन रिवर में पाया जाता है, इसलिए इसको अमेजन लंग फिश कहते हैं या साउथ अमेरिकन लंग फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिप्लोई। सो इसमें हम एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे, तो बॉडी जो होती है इनकी कवर होती है बाई ओवरलैपिंग साइक्लॉइड स्केल्स। आपने स्केल्स इन फिशेस पढ़ा होगा तो आप पता होगा साइक्लॉइड स्केल्स क्या होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। तो ये साइक्लॉइड स्केल्स से इनकी बॉडी कवर होती है जो कि ओवरलैप्ड होते हैं। द डॉर्सल एंड एनल एंड टेल फिन्स आर कंटिन्यूस, जिसमें फिन्स होते हैं, डॉर्सल एंड एनल टेल फिन्स होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। और जो टेल होता है इनमें वो डाइफाई सर्कल होता है, इसमें जो टेल इज डाइफाई सर्कल। आपने जब कॉडल फिन मैंने आपको बताया होगा तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉडल फिन के बारे में मैंने बताया होगा, तो उसमें आपको मैंने ये टाइप्स बताया कॉडल फिन के, डाइफाई सर्कल, हेट्रो सर्कल क्या होता है, ये सब उसी में समझ आ जाएगा, ओके। द ऑपरकुलम एंड स्लिट लाइक ब्रैंकियल ओपनिंग ईदर ऑन ईदर साइड, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज वेल डेवलप, और द क्लोकल अपर्चर लाइज एट द रूफ ऑफ द टेल, ओके। जो क्लोकल अपर्चर होता है वो सरफेस पे होते हैं टेल के। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो द टिथ फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स टूथ प्लेट्स फॉर क्रशिंग द मोलस्कन सेल्स। मोलस्कन सेल को क्रश करने के लिए, टूटने के मतलब उसको तोड़ने के लिए इसमें जो टूथ होता है वो टूथ प्लेट इसमें प्रेजेंट होता है। द टूथ प्लेट्स आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल डेंटिकल्स एंड ऑल एन एलिमेंट्री कैनाल इज सिंपल ट्यूब। द लंग फिशेस लैक डिस्टिंक्ट स्टमक, इसमें एक डिस्टिंक्ट स्टमक नहीं पाया जाता, एक अच्छी तरीके से बना हुआ स्टमक नहीं होता है, डिस्टिंक्ट अलग, ओके। नेक्स्ट जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें डिप्लोई में, बोथ गिल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द लंग फिशेस। ऑल्दो द डिप्लोयंस पजेस द गिल्स एज वेल एज लंग, दे यूज मोस्टली द लंग। तो इनमें दोनों पाया जाता है, गिल्स भी पाया जाता है, लंग्स भी पाया जाता है, तो इनमें गिल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने लंग्स का यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. ओके, द नॉस्ट्रियल हेल्प इन एरियल रेस्पिरेशन. द स्विम ब्लैडर इज मॉडिफाइड इन टू द लंग. तो ये जो लंग होता है ना, ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्विम ब्लैडर का. इन डिप्नोय में ये स्विम ब्लैडर ही मॉडिफाई हो जाता है इन लंग. ओके, एक्वेटिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स. गिल्स मतलब गिल्स के थ्रू ही एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है, जो पानी के अंदर होता है. रेस्पिरेशन का तो हो गया. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में देखेंगे कैसा होता है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें वेल डेवलप होता है. हार्ट जो होता है ना इनका, एक पेरिकार्डियम में इनक्लोज होता है. द हार्ट ऑफ द लंग फिसेस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एंड ऑरिकल, वेंट्रिकल एंड कॉनस आट्रियोसिस. तो इनका 3 पार्ट से बना होता है हार्ट. पहले तो इनमें 3 पार्ट होते हैं, ऑरिकल होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं एंड कॉनस आर्ट्रियोसिस होता है. तो ये 3 पार्ट आपको यहाँ पे इमेज में दिख जाएगा, कॉनस आर्ट्रियोसिस ये वाला लाइन. बाकी ये रफ़ी डायग्राम है, अगर आपने सर्च करोगे डिप्नोय का तो आपको वेल डायग्राम मिल जाएगा. नेक्स्ट बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की. एक्सक्रीटरी सिस्टम कहता है कैसा बना होता है. कंप्राइजेज ऑफ अ पेयर ऑफ एलोंगेटेड किडनी विच आर सेपरेट एंड एट इंटीरियर बट आर यूजली फ्यूज एट देयर पोस्टीरियर. तो ये पेयर ऑफ किडनी होती है, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है और जो कि फ्यूज होता है पोस्टीरियर एंड पे, जबकि इंटीरियर एंड पे ये दोनों सेपरेट होते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल एंड फीमेल होते हैं ये अलग अलग होते हैं. तो सेक्सेस आर सेपरेट, फीमेल ओवरीज आर पेयर्ड एंड एलोंगेटेड. जो फीमेल में ओवरीज होता है वो पेयर्ड होता है और एलोंगेटेड होता है. देर आर 2 एलोंगेटेड टेस्टीज इन मेल लंग फिसेस. तो इसमें एलोंगेटेड 2 मतलब इसमें भी 2 एलोंगेटेड टेस्टीज होती है मेल में. ओके, एफिनिटीज़ की बात करें तो सिमिलैरिटीज़ किसके साथ शो करता है. तो पहले तो जनरल फिजिस के साथ इसकी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हो वो देख लेते हैं. तो स्पिंडल शेप्ड होती है बॉडी, इन लाइक बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है. इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, लेटरल लाइन सिस्टम, न्यूरोमास्ट ऑर्गन, डाइफाई सर्कल, कॉडल फिन होते हैं. नेक्स्ट है एफिनिटीज़ विद इलास्मोब्रैंकाई. इलास्मोब्रैंकाई के साथ क्या क्या एफिनिटीज़ होती हैं. तो एंडोस्केलेटन जो होता है मोस्टली कार्टिलेजिनस होता है, सिमिलर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इंटेस्टाइन विद अ स्पायरल वॉल, ईच गिल विद अ 2 डिफरेंट आर्टरीज. ओके, एफिनिटीज़ विद होलोसिफेली. होलोसिफेली का भी मैंने आपको कराया है जर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटी, वो भी वीडियो आप देख लेना. तो एफिनिटीज़ की बात करें तो गिल्स जो होता है कवर होता है ऑपरकुलम से. ये होलोसिफेली में भी होता है, इसमें भी होता है. इसमें कोई डिस्टिंक्ट स्टमक दोनों में नहीं होता है. इंटेस्टाइन विद द स्पायरल वॉल दोनों में कॉमन होता है. टिथ फ्यूज टू फॉर्म अ डेंटल प्लेट्स एंड आइडेंटिकल किडनीज, गोनेड्स एंड गोनोडक्ट्स दोनों में प्रेजेंट होता है. क्लियर. एफिनिटीज़ विद एक्टिनोप्टेराइज से देखते हैं. प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर, प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड स्केल, प्रेजेंस ऑफ ऑपरकुलम कवरिंग गिल्स. तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट एफिनिटीज़ विद क्रॉसोप्टेराइज. तो उसके साथ है डाइफाई सर्कल, कॉडल फिन होता है दोनों में कॉमन, आइडेंटिकल स्कल बोन होता है, एयर ब्लैडर फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इंटरनल नॉस्ट्रियल होता है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉनवस आर्ट्रियोसिस और पावरफुल लेग लाइक लोबेट फिन्स होती हैं, इसमें दोनों में कॉमन है. एम्फीबिया के साथ क्या सिमिलैरिटी शो करता है. तो सेमी एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं क्योंकि लंग्स भी पाया जाता है और इसमें गिल्स भी पाया जाता है, तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन हो जाएगा. क्योंकि एम्फीबियस भी टेरेस्ट्रियल होते हैं और पानी में भी एक्वेटिक भी होते हैं, क्योंकि जब ये लार्वल फॉर्म में जाते हैं ना, एम्फीबिया लार्वा जो होता है इसको एक्वेटिक होता है, उसके बाद से इनमें ये टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं तो इनमें लंग्स आ जाता है. इंटरनल नॉस्ट्रियल एंड ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है दोनों में कॉमन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स. थिन वॉल्ड पेरिकार्डियम होता है. सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर पैटर्न से होता है जैसे एम्फीबिया में होता है. डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती है विद एम्फीबिया, मतलब क्या क्या कैरेक्टर जो एम्फीबिया के साथ मैच नहीं होता, इसका कॉमन नहीं है. तो पेक्यूलियर क्रसिंग टूथ प्लेट प्रेजेंट होता है किसमें, इसमें डिप्नोय में. कार्टिलेजिनस स्कल होता है इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि एम्फीबिया में नहीं होता है. मैग्जिली एंड प्री मैग्जिली एब्सेंट होता है डिप्नोय में. और लंग्स लाई डॉर्सल टू द गट. तो गट के साइड मतलब गट डॉर्सल होता है गट से. तो लंग लाइक लाई जो होता है डॉर्सल टू द गट. तो लंग्स जो होता है ये गट के डॉर्सल साइड होता है, ये क्लियर होगा, जबकि एम्फीबिया में ऐसा नहीं होता है. तो ये जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं सिमिलैरिटीज़ हैं आपको क्लियर हो गई होगी. एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.